बिहार में है दिन भर की खबरों के साथ। आइए देखते हैं एक नजर खास खबर उल्लेख न्यूज के साथ। शामली पुलिस द्वारा वाद्या पीड़िता हिमांशु की तहरीर के आधार पर 5 व्यक्ति पर राहुल, साहिल, आकाश, राकेश, गीता के विरुद्ध अभिकरण द्वारा एक राय होकर घर में घुसकर गाली गलौज व मारपीट कर पीड़िता के साथ बदतमीजी कर कपड़े फाड़ने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोनों पक्ष पड़ोसी हैं और एक ही जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिसके बाद थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा पीड़िता हिमांशु का मेडिकल परीक्षण व बयान दर्ज कराए गए थे। थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त आकाश और छोटा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने से पूर्व अभियुक्त आकाश का मेडिकल कराया गया था, जिसमें आकाश को कोई भी बाहरी या अंदरूनी चोट नहीं थी। अचानक जिला कारागार मुजफ्फरनगर में अभियुक्त आकाश उपरोक्त की तबीयत खराब होने के कारण आकाश को जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर में भेजा गया था, जहाँ देर रात्रि आकाश के उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी, जिसकी सूचना जेल अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली शामली को दी गई। मृतक आकाश उपरोक्त के शव के पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात उसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, 25 मई को थाना कोतवाली में अनिल वाल्मीकि की जो पुत्री है उनके द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था, जो जिसमें आरोप था कि 5 अभियुक्त के द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई है और छेड़खानी भी की गई और जान से मारने की धमकी दी गई है। इस पर 26 तारीख को उसमें से एक अभियुक्त आकाश को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बिल्कुल लीगल तरीके से उनकी अरेस्टिंग की गई और उनके मेडिकल भी उनको जेल भेजने से पहले कराया गया था, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि कोई मेडिकल में कोई इंजरी जो है उनकी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं है। उनको पुलिस के द्वारा जेल में दाखिल कराया गया न्यायालय के आदेश पर, और उसके बाद जो जेल से फिर सूचना मिली है कि उनकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हुई, उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। अभी जो है बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह सब कराया जा रहा है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी।